प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर द सोल्जर का, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है आपके बुक रेनबो पार्ट टू का। ये इंग्लिश से छठा पोएम है। मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और समरी का वीडियो बना दिया है, आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं और उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, यानी किसी भी विदेशी धरती का जो हिस्सा है वो इंग्लैंड का हमेशा के लिए हो जाएगा कैसे। तो पोएट हमारे कहते हैं कि द पोएट सेज डेट हिज बॉडी इज द रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, सो वेर एवर हिज बॉडी इज वरीड इट विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। यहां हमारे कवि कहते हैं कि उनका जो शरीर है ये इंग्लैंड के रिच डस्ट से मिलकर के बना है, यानी इंग्लैंड के मिट्टी से मिलकर के बना है। उनका शरीर इंग्लैंड की मिट्टी है क्योंकि उस मिट्टी से बना हुआ यह शरीर है, और इसलिए उनका शरीर इंग्लैंड के मिट्टी से बना हुआ है क्योंकि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है और उनका पालन पोषण भी इंग्लैंड में हुआ है। बॉर्न का मतलब जन्म और ब्रॉटअप का मतलब पालन पोषण। इसलिए जहां कहीं भी वेयर एवर यानी कि जहां कहीं भी उनके शरीर को इस इंग्लैंड के मिट्टी को यानी उनके शरीर को बरी किया जाएगा यानी कि दफनाया जाएगा, वो जो हिस्सा है जमीन का वो इंग्लैंड का हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि उस जमीन में उस विदेशी धरती के ऊपर इंग्लैंड की मिट्टी आकर के मिल जाएगी और वो जो हिस्सा है जहां इनको दफन किया जाएगा मरने के बाद वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इसलिए पोएट यहाँ पे कहते हैं कि किसी फॉरेन फील्ड का यानी किसी विदेशी धरती का जो हिस्सा है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में मृत्यु के दौरान जब भी इनको दफनाया जाएगा किसी विदेशी धरती पे तो वो हिस्सा इंग्लैंड का हो जाएगा क्योंकि वहां पे इंग्लैंड की मिट्टी मिल जाएगी आकर के उस मिट्टी से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, यानी इस लाइन का मतलब आपको समझाना है, आपके पोएम का लाइन है अ पल्स इन द इथर्नल माइंड। इथर्नल का मतलब मैं आपको बताया है कि शाश्वत यानी कि अमर होता है इथर्नल का मतलब, और पल्स का मतलब वाइब्रेशन होता है। तो हमेशा के लिए माइंड में यानी कि हमेशा के लिए पोएट जो है ना हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहते हैं लोगों के दिमाग में, और उनके भी दिमाग में हमेशा इंग्लैंड की जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी मरने के बाद भी। तो देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। द फ्रेज अ पल्स इन द इथर्नल माइंड मीन्स द मेमोरी ऑफ हिज मदरलैंड डेट रिमेन्स फॉर एवर इन द हार्ट ऑफ द पोएट डेट विल ऑलवेज बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अ पल्स इन द इथर्नल माइंड का मतलब होता है कि जो मेमोरी है उनके दिमाग में यानी कि उनके दिमाग में जो यादें हैं अपने मदरलैंड के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति, इंग्लैंड के प्रति जो यादें हैं वो हमेशा के लिए उनके हार्ट में बनी रहेंगी, और उनका जो दिल है वो हमेशा इंग्लैंड के लिए ही धड़कता रहेगा मरने के बाद भी, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होगा, ये अमर है इंग्लैंड के प्रति उनकी मेमोरीज उनकी प्यार, इसलिए वो ये फ्रेज यूज किए हैं अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। अगला है क्वेश्चन, हाउ वुड द पोएट इन द सोल्जर लाइक टू बी रिमेम्बर्ड इफ ही डाइज इन द बैटल, अगर युद्ध में कवि का मृत्यु हो जाता है, हमारे सोल्जर जो पोएम है उसके कवि का जब मृत्यु हो जाता है तो वो किस तरीके से अपने आप को याद रखा जाना चाहता है मरने के बाद, लोग उसको कैसे याद करें, क्या चाहते हैं पोएट। द पोएट वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज द मैन हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड एंड हु लव्ड हिज कंट्री एंड कंट्री मैन फॉर हिज हार्ट एंड सोल। तो यहाँ कहा गया है कि पोएट चाहते हैं कि उनको याद रखा जाए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ और पालन पोषण भी इंग्लैंड में हुआ, और वो अपने देश से और अपने देश के लोगों से कंट्री मैन यानी कि देश के लोगों से पूरी दिल और पूरी आत्मा से प्यार करता था, यानी पूरी तरीके से अपने देश और देश के लोगों से प्यार करता था। द प्लेस वेयर ही इज बरीड आफ्टर हिज डेथ यानी कि मौत के बाद जिस जगह पे उनको दफनाया जाएगा, आफ्टर हिज डेथ कर लेंगे यानी कि मौत के बाद जहां उनको दफनाया जाएगा उस जगह को भी इंग्लैंड का एक हिस्सा माना जाए, क्योंकि
वो जो शरीर है जो इंग्लैंड के मिट्टी से मिलकर के बना है वो उस मिट्टी में मिल जाएगा किसी विदेशी धरती पे, अगर इनकी मौत होती है युद्ध के दौरान तो, क्योंकि एक सैनिक थे तो उस जमीन को भी इंग्लैंड का हिस्सा माना जाए। तो यही तरीका है जिस तरीके से वो मरने के बाद कभी अपने आप को याद किया जाना चाहता है। अगला है, डियर स्टूडेंट्स, इन डेटरीच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, व्हाट डज द डस्ट स्टैंड फॉर? यहाँ डस्ट का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब मिट्टी, धूलकण। तो वो उस धरती का बात करता है जहां पे उसकी मौत होगी, वो एक ऐतिहासिक धरती होगा और उससे भी ऐतिहासिक जो धरती है उसका जो मिट्टी है वो आकर के उस धरती में मिल जाएगा, यानी कि इंग्लैंड का मिट्टी, रिचर डस्ट, इंग्लैंड के मिट्टी को अपने शरीर को वो कह रहे हैं और जहां मौत होगी उसको रिच अर्थ कह रहे हैं। तो पोएट कह रहे हैं द डस्ट स्टैंड फॉर द बॉडी ऑफ द पोएट डेट इज प्योरली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि डस्ट का मतलब है उनका शरीर जो कि पूरी तरीके से इंग्लैंड में जन्म लिया और इंग्लैंड में पला बढ़ा है। तो इंग्लैंड की मिट्टी यानी कि डस्ट का मतलब उनके शरीर से है। अगला क्वेश्चन, इज द पोएट एफ्रेड ऑफ डेथ? क्या कभी मौत से डरते हैं, भयभीत हैं? नो, द पोएट इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ। नहीं, कभी ये मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, भयभीत नहीं है। ही इज अ ट्रू पैट्रियोट, वो एक सच्चा देशभक्त है। और ऑफ यहाँ पे एक बार होगा ना, ही इज अ ट्रू पैट्रियोट ऑफ हिज मदरलैंड एंड वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर हिज डेथ टू, यानी कि वह अपने मातृभूमि का एक सच्चा देशभक्त है अपने देश के लिए और अपने मरने के बाद भी वो याद किए जाने चाहते हैं एक सच्चे देशभक्त के रूप में। तो पोएट मरने से डरते नहीं है बल्कि मरने के बाद भी चाहते हैं कि लोग उनको एक देशभक्त के रूप में याद करें। व्हाट इज अ सोनेट, What is the rhyme scheme of the poem? इस कविता का जो rhyme scheme है वो बताना है। तो कविता का जो नाम हम देते हैं ना, AB करके rhyme scheme निकालना, आपको मैंने poetic devices में सिखाया है, आप देख लीजिएगा, मैं video description में दे दूंगा कैसे rhyme scheme निकाला जाता है किसी कविता का। तो सबसे पहले देख लीजिए सोनेट क्या है। तो सोनेट एक तरह का कविता होता है जिसमें 14 lines होते हैं। तो सोल्जर पोएट को आप देखेंगे उसमें 14 लाइन है, तो 14 लाइन के कविता को सोनेट कहा जाता है। और सोनेट जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो स्टांजा होता है उसमें, यानी कि दो पार्ट में वो कविता होता है। पहला जो पार्ट है वो 8 लाइन का होता है और जो दूसरा पार्ट है वो 6 लाइन का होता है। और पहला पार्ट जो 8 लाइन का होता है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, जो दूसरा पार्ट 6 लाइन का होता है उसको सेस्टेट कहा जाता है। और इसका राइम स्कीम क्या है इस कविता का, यानी कि फर्स्ट अंजा का मतलब पहला जो 8 लाइन है उसका राइम स्कीम आप निकालेंगे तो ABABCDCD इस तरीके से नाम दिया जाता है लाइंस का। जो 8 लाइन है उनका नाम हम दिए हैं, ABAB 4 लाइन का हो गया और CDCD ये 4 और लाइन का, यानी कि 8 लाइन का फर्स्ट जो हमारा स्टांजा है उसका नाम हो गया ABABCDCD। और जो दूसरा स्टांजा है जो कि एक सेस्टेट है 6 लाइन का है तो उसका नाम है ABCABC। तो ये 6 लाइन का जो हमारा स्टांजा है उसका नाम हो जाएगा ABCABC और जो पहला स्टांजा है 8 लाइन का ABABCDCD। तो ये कैसे निकाला जाता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, वहां पे मैंने बताया हुआ है डिटेल में पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी और भी सारी कुछ डिस्कस हमने किया है। तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।